दुनिया का सबसे बड़ा सच और जितना जल्दी हो सके आप सभी अपना लीजिए, आने वाले कल के लिए बेहतर होगा सभी के लिए। नखरे जो है वो माँ बाप के बिना कोई दूसरा नहीं उठाता, क्योंकि आप सभी को पता है जो लोग हैं जिसका ज्यादा चिंता आप सभी करते हैं वो सिर्फ आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका नखरा है ना वो आपके माता पिता को छोड़कर कोई नहीं उठाएगा, और जिनके बारे में आप चिंता करते हैं वो बस आपके ऊपर उंगली उठाएगा और आपको कभी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये पहला काम तो ये करिएगा आप सभी आज के क्लास से कि अपने माँ बाप को जितना इज्जत हो सके आप सभी देना, ऊंचे आवाज में तो बात करना मत भूलकर। दूसरी बात, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। जो भी करना है सच्चे दिल से मेहनत के साथ करो, लोगों के बारे में मत सोचो। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तीन क्लास का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमेट्री का वीडियो आपको मिल गया होगा ना। तीन क्लास का तीनों क्लास बहुत पानी की तरह आप सभी को समझ में आया होगा। जो डर था कहीं ना कहीं वो डर तो कम से कम निकल गया है। अब आएंगे सीधे सवाल के ऊपर, लेकिन वो तीनों क्लास का नोट्स आप सभी के पास रहना चाहिए, वरना सारा जिंदगी चिल्लाते रह, सारा जिंदगी तो छोड़ो दो तीन साल जो भी बचे हैं एग्जाम के चिल्लाते रहना कि नहीं सीख पाए। ठीक है, पैसा नहीं था, मन नहीं लगा, अपने ऊपर सारा जिंदगी दोष देते रहना, तो अभी मौका है। जो डर है उसको अंदर से निकालना है। और आज कवर करेंगे हम सभी आप सभी का 22 अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। और हां अगेन बोलूंगा, हमारे एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद अपने फोन के ऊपर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रेलवे, बैंक या फिर एसएससी का। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और एक बात, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करेंगे ना तो एक साल तक हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। हर एग्जाम का कम से कम 20 से 25 से, ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि आप एग्जाम से पहले कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या नहीं? और पहला प्रश्न है, सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने COVID-19 वैक्सीन विकास को सक्षम करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन टास्क फोर्स की सह अध्यक्षता करेगा, आपको बताना है को चेयर कौन करने वाला है और यह किया जाएगा किसके द्वारा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी। और अभी वर्तमान में प्रेजेंट में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, तो आप बोलेंगे के विजया राघवन, नाम याद रखिएगा, हेड है ये। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है जो जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला राज्य बन गया है। अब ये क्या होगा पहले आप सुन लो, पहले आप याद कर लो, वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कैपिटल आपका तो लखनऊ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्लियर हो गया ना। अब ये सुनो, ये किचन किस प्रकार का है, इसके अंदर क्या है, राजा उत्तर प्रदेश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट में जो है काम किया जाएगा खाने को लेकर, ताकि जो भी गरीब लोग हैं वो भूखे ना सो पाए। और इस किचन का मेन टारगेट है कि डेली 12 लाख खाना जो है वो पैक किया जाएगा, यानी डेली 12 लाख गरीब को खाना पहुंचाया जाएगा इस किचन के माध्यम से, जो बंदी चल रही है, जो लॉकडाउन चल रहा है। और ये स्टेप उठाने वाला पहला राज्य बन गया है आपका, ऐसा किचन खोलने वाला आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आप आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फेसबुक जिसके ऑनर, जिसके मालिक कौन है, मार्क जगरबर्ग, उन्होंने किस राष्ट्र में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग शुरू की है। अब ये फैक्ट से समझ में आ रहा है, सच्चाई फैक्ट क्या है, अब ये फैक्ट चेकिंग क्या है। अब देखो,
ये फैक्ट चेकिंग शुरू किया गया है आपका बांग्लादेश में। इसमें क्या होगा, जो भी फेक न्यूज है, जो भी गलत जानकारी है, वो एक एक चीज का चेकिंग किया जाएगा। जितने भी आप फोटो अपलोड करते हैं, स्टोरी अपलोड करते हैं फेसबुक में, कि आप फेक न्यूज फैला रहे कि नहीं फैला रहे, ऐसा एक फैक्ट चेकिंग लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा, कहां पर, बांग्लादेश में। ठीक है ना, क्लियर ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लगभग 20 वर्ष के बाद निम्नलिखित देशों के बीच दुर्लभ चमड़े के समुद्री कछुए की सबसे बड़ी संख्या को कहां पर देखा गया है इस लॉकडाउन में, और यह देखा गया है आपका थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है, क्या होगा, थाईलैंड। और एक बात यहां पर आप देख रहे होंगे, लेदर बैक सी टर्टल, इसका मतलब क्या है भैया, सबसे बड़ा जीवित कछुए का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, लेदर बैक सी टर्टल। और आज का आपका पहला प्रश्न इसी प्रश्न से निकल कर आ रहा है, थाईलैंड का मुद्रा, थाईलैंड का राजधानी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम, आप सभी को कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है 22 अप्रैल का, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोरोना वायरस यानी COVID-19 के प्रकोप की जांच के लिए कौन एक्सपर्ट की टीम चीन भेजना चाहता है। अब पहले थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। एक्चुअल में आप सभी को पता है, पूरा देश जो है इस महामारी से जूझ रहा है, और सबसे ज्यादा अमेरिका। और इसके बीच क्या हुआ है, अब जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इसका आंसर क्या होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि वुहान में एक एक्सपर्ट की टीम जो है वहां पर भेजी जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके ये वायरस जानबूझकर फैलाया गया है या कहीं से निकला है। लेकिन लेकिन चाइना ने क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है, परमिशन नहीं दिया है। आप तो छोड़ो, जो वहां पर लैब बना है ना वुहान में चाइना में, वो एक्चुअल में बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। उन्होंने बहुत सहायता किया था चीन को वुहान में वो लैब बनाने में, लेकिन आज के डेट में चीन नहीं चाहता है कि हमारे वुहान में अमेरिका के एक्सपर्ट आकर पता लगाए, ब्लॉक कर दिए, अलाउड नहीं किया गया है चीन के द्वारा। अब क्या मेन मुद्दा है, हालांकि इसको सपोर्ट बहुत जन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, कनाडा कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, किसको, चाइना को नहीं, अमेरिका को। वो लोग भी चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो निकल कर आए, लेकिन चाइना परमिशन नहीं दे रहा है इस चीज को लेकर। तो कौन चाहता है कि एक्सपर्ट का टीम जो है वो चीन के वुहान में भेजा जा सके, ताकि सच्चाई का पता लगा सके कि ये बीमारी जो है COVID-19 एक्चुअल में इंसानों के द्वारा फैलाया गया है, ये कहां से निकला है। लेकिन चाइना परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, COVID-19 के बीच एशियाई विरोधी उत्पीड़न को दूर करने के लिए किस शहर ने एक नई प्रतिक्रिया टीम बनाई है, और यह बनाया गया है न्यूयॉर्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है अमेरिका तो सबसे आगे है संक्रमित के मामले में, 6-7 लाख के ऊपर केसेस है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कहां की तेल की कीमतें 20 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित देशों के बीच जीरो डॉलर के अंक के नीचे चला गया। बाप रे, बहुत बड़ा बात है, यानी कीमत जो है वो $0 के नीचे चला गया। ये कहां पर क्रैश कर गया था तेल की कीमत, तो अमेरिका में, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, COVID-19 के फैलने के बीच किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासन यानी इमिग्रेशन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है, और यह निर्णय लिया गया है, महामारी बुरी तरह से अपना प्रकोप दिखा रही है अमेरिका में, वहां के राष्ट्रपति ने जो है वो डिसीजन लिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यह आप सभी को बताना है।
कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हम लोग कम मनाते हैं, तो यह मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 22 अप्रैल का। इसका पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या अपने फोन में सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है ना।